नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा में आज हम एक बार फिर से डायग्नोज पर चर्चा करते हैं कि डायग्नोज कैसे करें, पेशेंट की बीमारी को पहचाने कैसे, उसका निदान कैसे करें एक्यूप्रेशर चिकित्सा में। उसके आधार पर आज हम मौसम के आधार पर निदान इस विषय पर चर्चा करेंगे। मौसम के आधार पर निदान, यानी पेशेंट हमारे पास आता है या पेशेंट खुद है, चिकित्सक खुद है या पेशेंट उसके पास आता है। सबसे पहला विषय होता है पेशेंट आया कौन से वक्त में हमारे पास। अभी मई का महीना आने वाला है, यानी अप्रैल और मई, अप्रैल का महीना है। ये हीट एनर्जी में आता है। अगर इस समय पेशेंट अपने आप को बीमार बताता है, अप्रैल के महीने में बीमार है, पेशेंट की हिस्ट्री जानेंगे, पेशेंट बोलेगा जी मुझे इस महीने में हर बार परेशानी होती है, यानी गर्मी के दिनों में अपने आप को असहाय महसूस करता हूँ, जब सर्दी आती है या मौसम बदलता है तो मैं ठीक होता हूँ, यानी थकावट, बेचैनी, घबराहट, इंडाइजेशन अगर अप्रैल के महीने में होता है तो अप्रैल होता है फायर एलिमेंट में, यानी अग्नि तत्व में। और टीसीएम के हिसाब से अग्नि तत्व हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब पेशेंट को दिक्कत अप्रैल के महीने में आती है, अपने आप को ऐसा ही महसूस करता है, अप्रैल के अंदर फायर एलिमेंट अपने पूरे यौवन पर रहता है, उसमें एनर्जी फायर एलिमेंट सबसे ज़्यादा होता है अप्रैल के महीने में। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पेशेंट की यिन हार्ट को, यिन हीट को सीडेशन करेंगे। और उसमें आता है हार्ट, यानी उसके हरोरी बिंदु की अगर बात करें तो हार्ट H8 को सीडेशन करेंगे। ये डायग्नोज बनेगा मौसम के आधार पर, यानी अप्रैल के महीने में पेशेंट आया, हमने उससे पूछा वो गर्मी महसूस करता है, बेचैनी महसूस करता है, इंडाइजेशन होता है, पेट में गर्मी होती है, तो हम संबंधित मेरिडियन, अगर पेट में गर्मी महसूस करता है पेशेंट तो हम पेट का मतलब स्टमक और स्टमक की एनर्जी को लेंगे, ST4T1 को भी सीडेट करेंगे क्योंकि वो गर्मी महसूस करता है, संबंधित ऑर्गन की अग्नि तत्व को हम कम करेंगे। ये हो गया मौसम के आधार पर डायग्नोज। इसके विपरीत अगर पेशेंट हमारे पास आता है जुलाई अगस्त में, अब पहले मंथ की चर्चा कर लेते हैं टीसीएम के हिसाब से, जनवरी, फरवरी, लीवर और गोल ब्लेडर, यानी वायु तत्व में आते हैं, मार्च, अप्रैल यानी हार्ट और SI यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हीट एनर्जी में आते हैं, विंड, वुड या कास्ट तत्व, तीनों TCM के हिसाब से विंड एनर्जी में आते हैं, चाहे आप वुड एनर्जी कह लीजिए, चाहे आप वायु तत्व कह लीजिए, चाहे आप कास्ट तत्व कह लीजिए, हार्ट अग्नि तत्व, या फायर एलिमेंट कह लीजिए या हीट एनर्जी कह लीजिए, एक ही बात है। अब अप्रैल के बाद मई और जून
ये आते हैं हॉटनेस एनर्जी में, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर, यानी अग्नि का प्रभाव, जब अग्नि जल के समाप्त होती है तो आग के अंगारे होते हैं, यानी जो तीव्र अग्नि है वो शांत पड़ती है, उसे ही हम हॉटनेस एनर्जी कहते हैं, यानी उष्णता। उसे ही हम हॉटनेस एनर्जी कहते हैं। इसके बाद में जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त यानी ह्यूमिडिटी। अब क्या बनेगा, अग्नि तत्व जब समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा, राख, और राख से पृथ्वी का निर्माण होता है, पृथ्वी में मिल जाती है राख, और वो ह्यूमिडिटी एनर्जी में आती है, जिसमें स्टमक और स्प्लीन यानी पेट और तिल्ली उसमें आते हैं, जिसे हम ह्यूमिडिटी यानी पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट जिसे हम कह सकते हैं। अब इसके बाद ह्यूमिडिटी के बाद में क्या आता है, जब जुलाई अगस्त के महीने के बाद में सितंबर और अक्टूबर में, यानी जुलाई अगस्त के बाद पतझड़ शुरू होती है। हमने पेड़ पौधे देखे होंगे, पतझड़ शुरू होती है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, और जो यौवन अवस्था जो पेड़ के अंदर होती है वो समाप्त होने लगती है, और पेड़ पौधे सूखे दिखाई देते हैं सितंबर और अक्टूबर में। इसे हम ड्राइनेस यानी शुष्कता एनर्जी, जिसे टीसीएम की भाषा में मेटल एनर्जी या आकाश तत्व के नाम से जानते हैं। ड्राइनेस एनर्जी में आते हैं लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। एलयू का मतलब लंग्स यानी फेफड़ा, एलआई का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, जिसे हम ड्राइनेस एनर्जी या फिर मेटल एनर्जी कह सकते हैं, या शुष्कता एनर्जी कह सकते हैं। इसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ठंड का मौसम आता है, जब ड्राइनेस के बाद में कोल्डनेस एनर्जी आती है, यानी जब पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, उसके बाद में पतझड़ समाप्त होता है और जल तत्व का प्रभाव होता है, जिसमें हमारे किडनी और यूबी यानी यूरिनरी ब्लेडर आता है, जिसे हम कोल्डनेस एनर्जी या जल तत्व कह सकते हैं। तो इस तरह से 12 महीने में हमारे 12 ऑर्गन काम करते हैं, 24 घंटे 12 ऑर्गन, 12 महीने 12 ऑर्गन। ये मौसम के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। जनवरी फरवरी में पेशेंट आता है, पेशेंट को जनवरी और फरवरी में परेशानी बढ़ती है, बीमार पड़ता है पेशेंट। कई बार पेशेंट आते हैं, जी मुझे इस मौसम में आकर के हर बार ही परेशानी होती है, इस मौसम में आकर मैं बीमार हो जाता हूँ, उसके बाद में ठीक हो जाता हूँ। तो इसका मतलब जिस मंथ में उसको प्रॉब्लम आई, मान लो उसको जनवरी फरवरी के महीने में प्रॉब्लम आई, तो हम वायु तत्व को लेंगे, क्योंकि वायु तत्व अधिक होती है और वायु तत्व वो सहन नहीं कर पा रहा, तो उसकी वायु तत्व को हम कम करेंगे टीसीएम के हिसाब से। अब पेशेंट आता है मार्च अप्रैल में, वो कहता है कि मुझे गर्मी सहन नहीं होती, मैं बीमार पड़ने लगता हूँ, और बाद में फिर अगले महीने एक दो महीने बाद में ठीक हो जाता हूँ, तो हम अग्नि तत्व को कम करेंगे। इसके बाद पेशेंट मई और जून में आता है, यानी ये ब्रेन से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है, तो मई और जून में अगर पेशेंट आता है तो हम पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर यानी उसकी हॉटनेस एनर्जी को हम कम करेंगे। और अगर जुलाई और अगस्त में पेशेंट आता है और वो कहता है मुझे इस महीने में आकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, पैरों में थकान रहती है, घबराहट रहती है,
बेचैनी रहती है तो हम उसके स्टमक और स्प्लीन यानी पृथ्वी तत्व को हम कम करेंगे। ऐसे ही सितंबर अक्टूबर में अगर पेशेंट आता है, कहता है जी मुझे इन दिनों खांसी जुखाम बुखार या स्किन एलर्जी होती है, तो हम उस स्थिति में हम हीट एनर्जी ड्राइनेस एनर्जी को कम करेंगे। नवंबर दिसंबर में पेशेंट को परेशानी बढ़ती है तो हम किडनी और यूरिनरी ब्लैडर पर ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें यिन डिफिशियंसी है या यांग डिफिशियंसी है, यिन लेना है या यांग मेरिडियन लेना है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।